हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएसी ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह वीडियो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट चैप्टर यूनिट के बेस पर। बेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अगर बेस नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए यह वीडियो आज का रिलेशन ऑफ यूनिट इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें पहला आता है यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की इकाई। एक फुट बराबर 12 इंच, और 12 इंच को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक गज बराबर 3 फुट, या और 3 फुट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक फरलॉन्ग बराबर होता है 220 गज, एक मील बराबर 8 फरलॉन्ग या 1760 गज। यूनिट ऑफ मास, यानी मात्रा की इकाई। एक औंस बराबर होता है 10 ड्रम, एक पाउंड बराबर होता है 16 औंस, एक क्वार्टर बराबर 28 पाउंड और 100 वेट बराबर 4 क्वार्टर, एक टन बराबर 20 हंड्रेड वेट और 20 हंड्रेड वेट बराबर 80 क्वार्टर और 80 क्वार्टर बराबर 2240 पाउंड। अगला है यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड और एक घंटा बराबर 60 मिनट। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, समय की छोटी से छोटी इकाई सेकंड होती है, जो एक मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। इसमें अगला है यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम मीट्रिक टू ब्रिटिश सिस्टम, मीट्रिक से ब्रिटिश प्रणाली में इकाई रूपांतरण। जिसमें पहला आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। एक मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंच, एक सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच और 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, 1 किलोमीटर बराबर 0.6214 मील। अगला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वेट, यानी तौल की इकाइयों का रूपांतरण। वेट मतलब भार। 1 ग्राम बराबर 15.432 ग्रेन, 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पाउंड, 1 टन बराबर 2240 पाउंड, 1 गैलन बराबर 10 पाउंड और 10 पाउंड बराबर 4.543 लीटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम ब्रिटिश टू मीट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली में इकाई रूपांतरण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCVT के सिलेबस के ऊपर आधारित हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।